हेलो एंड वेलकम टू टीवी का पटाखा। वेल दोस्तों, धीरज धूपर के बाद अब कुंडली भाग्य के एक और लीड एक्टर ने शो को अलविदा कह दिया है। शो के बारे में बताई है बड़ी बात, एकता कपूर के ऊपर मुश्किलें अब बढ़ने ही वाली है क्योंकि अब एक और बड़े एक्टर ने शो को छोड़ने का फैसला ले लिया है। दोस्तों, लगातार कुंडली भाग्य से करेक्टर्स एग्जिट हो रही है, कहानी को ऑलरेडी काफी ज्यादा खींचा जा चुका है। क्या है ये पूरी खबर बताएंगे आपको सब कुछ पूरे विस्तार से, लेकिन उससे पहले चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना आप बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, कुंडली भाग्य के अपकमिंग एपिसोड में आप लोगों को जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलेगा क्योंकि कुंडली भाग्य सीरियल से एक और बड़े एक्टर का आपको रिप्लेसमेंट देखने को मिल सकता है या तो एक करेक्टर इम्पोर्टेंट शो से गायब हो जाएगा। कौन है ये? दोस्तों, जिस तरह से धीरज धूपर ने शो को अलविदा कहा था, फैंस इस चीज से काफी नाराज थे। लेकिन दोस्तों, अब एक और झटका लगने वाला है फैंस को क्योंकि कुंडली भाग्य के एक और लीड एक्टर ने शो को छोड़ दिया है और हाल ही में अपडेट देकर उन्होंने बताया कि उनके लिए सीरियल छोड़ना कितना ज्यादा जरूरी था। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कुंडली भाग्य में लीड एक्टर के तौर पर समीर लूथरा की। जी हाँ, समीर लूथरा यानी कि और कोई नहीं बल्कि इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर अभिषेक कपूर। वेल दोस्तों, अभिषेक कपूर ने हाल ही में दिए इंटरव्यू में बताया कि उनके लिए कुंडली भाग्य से ब्रेक लेना बहुत जरूरी था। उन्होंने शो से एक लंबा एनुअल ब्रेक लिया हुआ है। अभिषेक कपूर कहते हैं, इट्स अ मच नीडेड एंड एक्साइटिंग एनुअल ब्रेक फ्रॉम शूटिंग एंड आई अगेन एक्सप्लोर्ड माय होम टाउन, विजिटेड डिफरेंट प्लेसेस एंड मेट एवरीवन आई नो, आई एंजॉयड द दिल्ली फूड, आई मिस मुंबई। यानी कि साफ तौर से अभिषेक कपूर ये बात कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा शूटिंग को मिस कर रहे हैं, वो मुंबई को भी मिस कर रहे हैं, लेकिन ये कैसा ब्रेक था जो उनकी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। वो पूरे साल के लिए ब्रेक पर है, ऐसे में वो शो को अलविदा भी कह सकते हैं अगर उनका रिप्लेसमेंट मेकर्स को मिल जाए तो। आप क्या कहेंगे हमें अपने व्यूज कॉमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।